हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिरी एयर कंडीशनर के H6 एरर कोड के बारे में। गिरी एयर कंडीशनर में H6 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज़ की न्यू वीडियो देखते रहें। गाइज, अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं और चाहते हो सैलरी बेस पर काम करना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम आईडी को हमारे फॉलो कर लें, वहां से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप हेल्पर में आना चाहते हो, एसी का काम सीखना चाहते हो तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे गिरी एयर कंडीशनर के H6 एरर कोड के बारे में। गिरी एयर कंडीशनर में H6 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आपको उनको रूल बाय रूल फॉलो करना होगा और आपके एयर कंडीशनर से H6 एरर कोड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आप इनडोर खोल दो, उसका कैबिनेट पूरा बाहर निकाल के जो पीसीबी कार्ड की साइड होती है आपको उसको मतलब देखना। सबसे पहले हमें देखना है जो इनडोर ब्लोअर मोटर की जो तार होती है हमारी, जो पीसीबी कार्ड में लगी होती है कनेक्टर, जो जैक होता है हमारा वो लगा होता है। एक बार उस तार को पहले चेक करें कि तार कटी हुई तो नहीं है, अगर तार कटी हुई होगी तो आप उसको जोड़ के ठीक करके बढ़िया तरीके से जैक को भी साफ करके एक बार लगा के और चलाओ, आपका H6 एरर कोड डिस्प्ले से हट जाएगा। बट गाइस, अगर आपकी जो ब्लोअर मोटर की तार है वो ठीक है और हमारा जो जैक है वो भी उसकी वायर वार कहीं से लूज नहीं है, जैक भी हमने साफ कर लिया और उसके बाद भी हमें H6 एरर कोड देखने को मिल रहा है, तो फिर हमें दूसरा पॉइंट को फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर हमें ये चेक करना होगा, हो सकता है हमारे ब्लोअर मोटर में कैपेसिटर भी होता ना लगा हुआ हमारा, जो हो सकता है कैपेसिटर भी वीक हो गया हो, तो उस वजह से भी ब्लोअर मोटर जो हमारी है वो स्लो चलेगी और स्लो चलने की वजह से H6 एरर कोड देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटर को भी अगर हम चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ऐसा रहा तो, और अगर कैपेसिटर ठीक है तो हो सकता है ब्लोअर मोटर भी ख़राब हो सकती है हमारी, इंडोर की जो ब्लोअर मोटर है उसके भी ख़राब होने की वजह से भी H6 एरर कोड देखने को मिलता है। बट गाइस, हमने ये सब कुछ करके देख लिया, मतलब जैसे हमारा जो मोटर का जैक है कनेक्टर वो भी ठीक है, तार नहीं है कटे हुए और कैपेसिटर भी हमारा ठीक है और मोटर भी हमारी ठीक है, अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया, चेक कर लिया, तो फिर एक बार ये भी चेक कर लें कि ब्लोअर कहीं से फंस तो नहीं रहा, हाथ डाल के एक बार उसको ब्लोअर को चला के देखें वो चल रहा है हाथ से या नहीं चल रहा, अगर हाथ से घूम रहा है चल रहा है वो तो ठीक है, और बट अगर वो डस्ट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा गंदा है तो आप एक बार जेट पंप से उसकी सर्विस कर दें बढ़िया तरीके से। बस ये नॉर्मल से पॉइंट है, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जो आपको बता दिया जो H6 आने के कारण है गिरी एयर कंडीशनर में वो यही है, हो सकता है हमारी मोटर ख़राब हो या मोटर का जो हमारा कैपेसिटर होता है वो कार्ड में लगा हुआ होता है, हो सकता है वो वीक हो गया हो तो उस वजह से H6 एरर कोड आ रहा है, या फिर चूहों ने वायर काट दी हो मोटर से जो हमें पीसीबी कार्ड में जाती है तो उस वजह से भी H6 एरर कोड आ सकता है, और या फिर हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो बिल्कुल स्पीड उसकी स्लो चल रही है डस्ट की वजह से, गद्दे की वजह से, तो उसको सर्विस करके एक बार देख लें। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, आप इनको करोगे तो H6 एरर कोड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइज, अगर आप चाहो तो हमसे भी सर्विस ले सकते हो, बट हम ओनली दिल्ली NCR में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं, www.trustworthyhomeservices.in पे जाएं और वहां से हमें मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो। बट गाइज, अगर आप इंडिया से कहीं से भी हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे की आईडी को हमें फॉलो कर लो, वहां हमें मैसेज कर सकते हो और हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करें। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, रोज की ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्थी होम सर्विस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।